हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी विथ एएसके में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को 6 महीने में दोबारा यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को कराने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले की जाँच एसटीएफ से कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर के नोटिस भी जारी हो चुका है, जो हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर ट्वीट भी दे सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों का जो चयन होना था, उसके लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी 17 और 18 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसको निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश भी दिए गए हैं। परीक्षाओं की सुचिता से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। यहाँ पर नोटिस जो आया है गृह विभाग के तरफ से, तो वह विज्ञप्ति आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि दिनांक 17 और 18 फरवरी 2024 को सम्पन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में प्राप्त तथ्य और सूचनाओं के परीक्षण के आधार पर शासन के द्वारा सम्यक विचारोपरांत करने के बाद शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों के दृष्टिगत इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवा करके अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। शासन ने प्रकरण की जांच एसटीएफ से भी कराए जाने के लिए निर्णय लिया है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण स्वच्छता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश जारी किए हैं। यह नोटिस आपने देख लिया, उसके बाद आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो ओरिजिनल ऑफिशियल अकाउंट है, इसमें आप देख सकते हैं, यह योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का अकाउंट हैंडल है, जिसमें बताया गया कि यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा यह कही जा रही थी, जिसमें कांस्टेबल की परीक्षा यह शामिल थे, जिसमें 60,000 से अधिक पद थे। फिलहाल इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उम्मीदवारों के हित में यह फैसला लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी जो है यह दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड जो है, यानी कि आप जानते हैं जो यूपी PRB जो यह परीक्षा कंडक्ट करवाती है, इसको यह सख्त आदेश दिया गया कि वह अगले 6 महीने में कांस्टेबल भर्ती के लिए दोबारा यूपी पुलिस एग्जाम आयोजित करे। सीएम योगी ने इसके बारे में ट्वीट करके भी जानकारी दी है, जो हमने आपसे साझा किया। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जांच अब एसटीएफ करेगी। योगी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जो यह आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन होना था, जिसकी परीक्षा आयोजित होनी थी, उसको फिलहाल निरस्त किया गया और आगामी 6 महीने के अंदर ही इसको दोबारा परीक्षा को कंडक्ट कराने का आदेश भी दिया गया है। तो यहाँ पर उनके अराजक तत्व जो हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही होना अब तो लगभग तय हो चुका है। तो यूपी पुलिस एग्जाम कैंसिल करने का नोटिस हमने आपको दिखा दिया, यह आपके सामने रहा, जिसमें 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षा होनी थी वह फिलहाल रद्द कर दी गई है और यूपी PRB को निर्देश दिया गया है कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उसके विरुद्ध आप FIR दर्ज करें और जल्द से जल्द कार्यवाही को पूरा करें। मामले की जांच एसटीएफ से भी कराए जाने का प्रावधान जो इसमें किया गया है। इस परीक्षा के लिए लगभग 50 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र समेत कई ऐसे जो राज्य थे, उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अपने एग्जाम दिए थे। तो फिलहाल इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।